हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग को कैसे हम बंद कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है विशाल। वीडियो देखने के लिए चलते हैं अपने फोन पे। तो अब हम अपने फ़ोन पर है और हमें यहाँ पर सीखना है कि हमारे फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग हो चुका है तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे फिर से कॉल को वापस ला सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा कॉल फॉरवर्डिंग का आइकन, आप देख सकते हैं ऊपर में आपको दिख रहा होगा। नोटिफिकेशन बार में आप जैसे ही स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा कॉल फॉरवर्डिंग इज ऑन। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा आप चाहे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है, कॉल फॉरवर्डिंग के सेटिंग में आ जाएंगे। या फिर आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के डायलर पैड को ओपन करना होगा। फ़ोन के डायलर पैड को ओपन करने के बाद अब आपको ऊपर में राइट हैंड साइड में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको इस पर वॉइस कॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना होगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यह ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यह ऑटोमेटिक आ जाएगा खुल करके। और उसके बाद आपने जो यहाँ पर नंबर जो डाला है, जिस नंबर को आपने डाल करके फॉरवर्ड किया है, उस नंबर को आपको यहाँ पर से रिमूव कर देना होगा, हटा देना होगा। उसके बाद ये जो है आपका कॉल फॉरवर्डिंग बंद हो जाएगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर जो नंबर है वो दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, टर्न ऑफ वाले ऑप्शन पे, ये सिंपल सा थोड़ा सा फिर वेट करना होगा और उसके बाद जो आपका कॉल फॉरवर्डिंग है वो बंद हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो बंद हो चुका है और ऊपर से कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं दिखने को मिलेगा और यहाँ पर भी कोई आइकन नहीं है। तो इसी तरह से आप भी अपने फ़ोन के कॉल फॉरवर्डिंग प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।